थ्रू द वर्टेक्स ओ ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेरिएबल कॉर्ड्स ओ पी एंड ओ क्यू आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स। ठीक है, ओ पी और ओ क्यू दो को कॉर्ड ड्रॉ किया गया है और वो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इफ द वेरिएबल कॉर्ड पी क्यू इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ एक्स एट आर देन डिस्टेंस ओ आर। तो ओ आर जो डिस्टेंस हो, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा बताना है। ठीक, तो एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया पैराबोला। ठीक है, इस पैराबोला में ओ यहाँ पे है वर्टेक्स, ओ से दो कॉर्ड बनाया गया है, एक कॉर्ड है ओ पी और दूसरा कॉर्ड है ओ क्यू, ये दूसरा कॉर्ड है ओ क्यू। ठीक है, और ये दोनों जो कॉर्ड है वो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री और पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जब पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट पी एंड क्यू ले सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो हो जाएगा ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2at1 और दूसरा पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2at2, ये होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस वन करेंगे। तो स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी कितना होगा, ये ओ है तो ओरिजिन 0, 0, वाई टू माइनस वाई वन मीन्स 2at1 माइनस 0 बाई at1 स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो ये होगा 2 बाई t1। ओके, अब स्लोप को फाइंड करेंगे ओ क्यू। ओ क्यू का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा 2 बाई t2 होगा और दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ओ पी इंटू स्लोप ऑफ ओ क्यू इक्वल टू माइनस 1 होगा। ठीक है, तो 2 बाई t1 इंटू 2 बाई t2 इक्वल टू माइनस 1 होगा। यहाँ से एक चीज आ गया कि t1 इंटू t2 इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब देखो, अब पी क्यू का इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। पी क्यू का इक्वेशन फाइंड करते हैं, पी क्यू इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ एक्स एट आर। तो पी क्यू जो है वो एक्स एक्सिस को आर पर कट कर रहा है, तो ओ आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले पी क्यू का इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर दो पॉइंट दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो वो दोनों पॉइंट से जो कॉर्ड बनेगा, उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता था पैराबोला में, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ये होता था t1 प्लस t2 ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 2at1 t2, ये इक्वेशन होता था कॉर्ड का। ठीक है, पी क्यू को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनेगा, उस कॉर्ड का इक्वेशन है ये। अब r का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो x एक्सिस पर है, उसके लिए y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 कटेगा, x इक्वल टू माइनस ए टी वन टी टू होगा। ठीक है, और टी वन टी टू का वैल्यू माइनस 4 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 4a हो जाएगा। तो r का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 4a, 0। तो ओ आर कितना होगा, ओ आर इक्वल टू होगा जितना r का x कोऑर्डिनेट है, मीन्स 4a। ठीक है, और 4a क्या होता है, 4a होता है लेटेस्ट रेक्टम, 4a होता है पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम। तो क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस OR इक्वल्स लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, जो सी ऑप्शन है। ओके,